कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा एग्जाम आइडिया संबंधित जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लगातार सभी टॉपिकों की तैयारी करवाने के लिए वीडियो प्रेषित कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बच्चों हमारा सॉल्यूशन अध्याय चल रहा है। सॉल्यूशन अध्याय के जो अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो मैंने कल प्रेषित किया था, आज इससे संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष लेके आया हूं, जिनको आप कर लें तो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगभग लगभग बच्चों सॉल्यूशन के अध्याय से संबंधित क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल। बेटा, एक हम स्पेशल क्वेश्चन बना के लाए हैं जिसमें सारे आपके गुण जितने भी हैं अधिकांश गुणों की व्याख्या हो रही है। प्रश्न है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोललता वाले, एक मोलल विलयन है, एक मोलल विलयन किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस विलयन की इतनी बात ज्ञात करनी है हमें, हमें इसमें WyW परसेंटेज ज्ञात करना है, WyV परसेंटेज ज्ञात करना है, पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात करना है, मोलरता, नॉर्मलता और कैल्शियम कार्बोनेट का मोल प्रभाज और पराशन दाब। यानी हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बातों की एक ही क्वेश्चन में गणना करनी है, ठीक है ना? आपके सभी टर्म रिवीजन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बेटा, एक हमने क्वथनांक हिमांक अवनमन का दे रखा है, तीसरा प्रश्न हमने वांटा फैक्टर का भी दे रखा है और एक प्रश्न जो बच्चों हमने राहुल के नियम का भी दे रखा है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये पैटर्न तो आपको आ ही जाएगा, इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन इसकी समरी लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, टी दे रखा है। पहले मैं देख लूं आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा यहां पे? हाँ, दिख रहा है, ठीक है ना। टी दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 इसमें जोड़ देंगे तो टी की वैल्यू होगी बेटा 300 केल्विन। कितनी हो गई टी की वैल्यू? 300 केल्विन। CaCO3 का घनत्व दे रखा है, डी दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व दे रखा है। अच्छा, एक मोलल यानी कि मोललता दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी बेटा? मोललता, मोललता दे रखी है एक। एक मोललता का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी हम समझ लें। एक मोललता का मतलब यह है कि 1000 ग्राम जल होगा, क्या होगा बेटा? 1000 ग्राम जल होगा, उसमें एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आपको याद रखना बेटा ये ना, 1000 ग्राम जल में एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, अर्थात एक मोलल का आशय क्या है? एक मोलल इक्वल टू 1000 ग्राम H2O में एक मोल CaCO3। इसका मतलब यही होगा ना बेटा, यानी कि H2O का भार हो गया 1000 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हो गए एक, यानी ये भी दे रखा है H2O का भार यानी विलायक का भार दे रखा है 1000 ग्राम और हमें दे रखा है CaCO3 के मोल, कितने बेटा? एक। तो एक मोल का भार कितना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल का भार 40, 12 और 48, यानी कि 100 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? 100 ग्राम होता है, इसके एक मोल का भार 100 ग्राम होता है। ये तो मैं क्वेश्चन में दे रखा है इतना। क्या क्या दे रखा है बेटा? तापमान दे रखा है, ठीक है ना, घनत्व दे रखा है, विलयन की मोललता दे रखी है एक, एक मोलल का मतलब 1000 ग्राम पानी में एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पानी का भार 1000, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल का भार 100 ग्राम होता है, इनको हमने जोड़ लिया, तो ये हमें दे रखा है। इससे बेटा विलयन का आयतन और निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा? आयतन और निकाल लें। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान, आयतन बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है बेटा हमारा?
विलयन का आयतन निकालना है, तो विलयन का भार हो जाएगा, विलयन का टोटल भार, जल का भार दिया है 1000 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का भार दिया है 100 ग्राम, तो भार हम निकालना किसका, विलयन का, विलयन का भार हो गया 1100 ग्राम। कितना हो गया बेटा, विलयन का भार हो गया 1100 ग्राम, ठीक है नहीं। अब हम रख दें विलयन का भार 1100 है और घनत्व है 1.1, ठीक है ना, इसको हमने हटाया तो यहां पे 10 आ गए, ये इससे 100 बार कट गया, यानी आ गया वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया 1 लीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया बेटा, बिल्कुल हमने क्वेश्चन इस तरह का दिया था कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखिए क्या हुआ, दोबारा समझ लो बेटा, यही मेन है, बकाया तो सब कुछ है, अगर आपने क्वेश्चन की समरी बना ली तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। क्या है भाई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे रखा है, विलयन की मोललता दे रखी है 1, घनत्व दे रखा है 1 मोललता का मतलब 1000 ग्राम पानी में 1 मोल CaCO3 है, अर्थात पानी का भार दे रखा है CaCO3 के 1 मोल का भार दे रखा है, इससे हमने विलयन का भार निकाल लिया और विलयन का हमने आयतन भी निकाल लिया, ठीक है। अब तो सब कुछ हो गया बेटा, हमें निकालना है भार प्रतिशत, भार प्रतिशत निकालना है किसका, CaCO3 का, तो CaCO3 का भार कितना है बेटा, CaCO3 का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार ये दे रखा है ना, 100 ग्राम बटे विलयन का कुल भार 1100 ग्राम गुणा 100, ये इससे कैंसिल हो गए, तो आया 100 बटे 11, कितना आया बेटा, 100 दिया था, 100 बटे 11 आया, तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 9 99, एक बचा 0 आएगा, 9.09%, कितना हो गया बेटा, 9.09% है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब तो आसान है बेटा, समरी बन जाती है अगर क्वेश्चन की तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। अब हमें निकालना है भार आयतन प्रतिशत, कैसे निकालना है बेटा, WV परसेंटेज निकालना है हमें, तो विलेय का भार रखेंगे, विलयन का आयतन रखेंगे हम, क्या कह रहा हूं मैं बेटा, विलेय का भार और विलयन का आयतन, विलेय का भार कितना है 100 और विलयन का आयतन कितना है बेटा 1000, विलयन का आयतन ये दिया है ना, ये विलयन का आयतन है 1000 गुणा 100, ये 3 जीरो कट गए, तो आयतन प्रतिशत आ गया 10%, यानी भार प्रतिशत कितना है CaCO3 का 9.909%, आयतन प्रतिशत कितना है 10%, ठीक है ही नहीं, तो ये हो गया भार प्रतिशत कितना हो गया 9.09%, आयतन कितना हो गया भार आयतन 10%। ppm निकालना है, ppm क्या होता है बेटा, विलेय का भार, विलेय का भार दिया है 100 ग्राम, विलयन का कुल भार 1100 ग्राम गुणा 10^6, ठीक है, 1 ppm, ये इससे कैंसिल हो गए, अब आया, अगर यहां पे 100 यहां लिख दें, 100 गुणा 10^2 लिख दें, 10^4 और 11 लिख दें, तो वही आएगा 9.09 गुणा 10^4। वैसे बेटा भार, भार प्रतिशत को ppm में कन्वर्ट करने के लिए 10^4 का गुणा कर देते, सीधा सीधा भी आपको आंसर याद रख सकते हैं, इसका द्रव्यमान प्रतिशत जी आया, ये द्रव्यमान प्रतिशत आया, अगर ppm निकालना है उसका तो क्या हो जाएगा, 9.09 × 10^4 ppm हो जाएगा परसेंट में ये, और ppm निकालो 10^4 का गुणा, 4 का गुणा भी कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन होगा बेटा इसके, भार प्रतिशत हो गया, भार आयतन प्रतिशत हो गया, ppm हो गया, ठीक है ना, इनको आप नोट कर लेना, कभी पॉज करके नोट कर लेना इनको, हम आगे देखें क्या हो रहा है, इसको क्वेश्चन को यहां लिखें और थोड़ी समरी को ऊपर लिख दें बेटा, है ना, शॉर्ट में लिख दें अभी हम, आप शॉर्ट में कैसे लिख दें, टी दे रखा है 300, डी की आवश्यकता भी हमें है नहीं, और CaCO3 का भार कितना है बेटा 100 ग्राम और जल का भार कितना है, H2O का भार कितना है, H2O का भार 1000 ग्राम
विलयन का भार, विलयन का भार 1100 ग्राम और विलयन का आयतन 1000 ml। इतने हम इनको मिटा दे रहे सबको, है ना। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 1000 ml। आयतन कितना है, आयतन 1000 ml। चलिए हम इनकी मोलरता निकाल लें। मोलरता, मोलरता बराबर होती है मोल वटे लीटर। बिल्कुल सिंपल हो गई बेटा। विलेय के मोल कितने थे, 1 मोल थे, हमने निकाले थे, वो तो मोल 1 मोलर दिए हुआ है, मोल की संख्या 1। विलयन का आयतन 1000 ml, और लीटर में लिखेंगे तो 1 लीटर 1/1, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना, 1000 ml की जगह हमने 1 लीटर लिख दिया बेटा। अगर नहीं लिखे तो यहाँ हजार का गुणा होता, तो हमने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट, 1 मोल प्रति लीटर इसकी मोलरता हो गई। अब हमें निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता और मोलरता अगर एक साथ आ जाएं तो यह फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता गुणा एक्स फैक्टर। और बेटा एक्स फैक्टर के अगर आपको इंडिविजुअल वीडियो देखना है, बेटा बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसके हमने, 20-25 वीडियो बनाए कम से कम, अलग से देख सकते हैं। वैसे हम बता रहे हैं किसी भी लवण का एक्स फैक्टर उस लवण में उपस्थित धनायन पर चार्ज या ऋणायन पर चार्ज होता है। इसके धनायन पर कितना चार्ज है, +2, ये भी लिख सकते हैं, -2। केवल चार्ज की वैल्यू लिखना है, चार्ज का साइन नहीं लिखना है हमें, ना। तो इसका एक्स फैक्टर कितना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्स फैक्टर 2 हो गया, यानी कि नॉर्मलता हो गई 2 एक्स फैक्टर गुणा मोलरता 1 = 2n। ये इसकी नॉर्मलता आ गई, मोलरता 1 आ गई, नॉर्मलता ये आ गई है। अच्छा, अगला क्या देखना है, मोल प्रभाज निकालना है। बेटा मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले हमें मोल निकालने पड़ते हैं। तो CaCO3 के मोल कितने हैं, 1 दिया है, ये तो हमें दे रखा है ना। H2O के मोल निकाले हम, अगर H2O के मोल, H2O का भार 1000 ग्राम और H2O का अणुभार 18 है, तो 55.5। अभी 5 5 आता है, हमने 5 लिख दिया है, अब तो हो ही गया। CaCO3 का मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो CaCO3 के मोल कितना है बेटा, 1 बटे कुल मूल 1 / 55.5 बराबर 1/56.5। जो आंसर आएगा वह इसका बेटा, इसका मोल प्रभाज आ जाएगा, किसका, CaCO3 का, ठीक है ना। फॉर्मूले बेटा अब आपको याद होगा ना, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूले। अगला लिखा हुआ है पराशरण दाब निकालना है। पाई इक्वल टू होता है बेटा CRT, सिंपल। सी मतलब मोलर कंसेंट्रेशन, मोलरता आप 1 निकाल चुके हैं, तो 1 रख दो, R 300 रख दो, T 0.082। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वह पराशरण दाब आपका वायुमंडलीय में हो जाएगा। बिल्कुल, अब सब क्वेश्चन आसान हो गए, दिखने में क्वेश्चन कठिन लग रहे थे बेटा, जब आपने समरी बनाई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। इसको सॉल्व कर लेना, सी मतलब मोलरता है, मोलरता 1 है, आर का मतलब ये लिखा हुआ है 0.82, और टी तापमान 300 है, तापमान 300 है, सॉल्व कर लेना बेटा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फिर समरी बना लिया बेटा, इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 का भार कितना दे रखा है बेटा, 25 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, इसका अणुभार दे रखा है क्या, अणुभार हम निकाल लेंगे। और जल का भार दे रखा है, H2O का भार कितना दे रखा है, H2O का भार दे रखा है 25 से 45 है ना, इसका H2O का भार दे रखा है 600 ग्राम यही है ना, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका अणुभार, इसका अणुभार निकाला हमने, C2H6O2 का अणुभार, 2 कार्बन का 24 + 6 + 32 यानी हो गया 62, इसका अणुभार 62 हो गया, ठीक है बेटा। इसमें Kf और होगा इस क्वेश्चन में, क्यों Tf निकालना है, तो Kf में एक बार पॉज करता हूं, देखूं Kf कितना है इसमें। चलिए बच्चों, इसका Kf
1.86 केल्विन किलोग्राम पर मूल है। अगर नहीं भी दे रखो तो आप ध्यान रखा करो बच्चों, जल के लिए केएफ 1.86 केल्विन केजी पर मूल होता है, ठीक है ना। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हम जानते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू जानते हैं केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ निकालना है, हिमांक में अवनमन निकालना है, एम की वैल्यू और रख दें बेटा, केएफ इंटू एम होता है डब्ल्यू विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का ग्राम में भार। तो अब रख दो बेटा इसकी वैल्यू के एफ की 1.86 इंटू डब्ल्यू वी विलेय का भार 45 है गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना निकला बेटा 62, विलायक का ग्राम में भार 600 है, ये इससे दो कट गए और ये 3 और ये 5 और ये 15 है बेटा। सॉल्व करोगे अप्रोक्स उसकी वैल्यू, चूंकि मैंने तो एक ही रख के रखा है, कर रखा है 2.2 केल्विन आएगी। कितनी आएगी बेटा 2.2 केल्विन हिमांक में अवनमन होगा। अब प्रश्न है विलयन का हिमांक कितना होगा, लेकिन हम जानते हैं हिमांक में अवनमन बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये हम जानते हैं, ठीक है नहीं। तो विलयन का हिमांक इक्वल टू हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन। तो शुद्ध जल का हिमांक केल्विन में होता है 273 केल्विन। बेटा दे रखा है तो वो रखना है, 1.5 कुछ ऐसा दे रखा होता है, लेकिन नहीं तो नहीं दे रखा है, 273 रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस 2.2 केल्विन, आंसर आया 270.8 केल्विन, यानी विलयन का हिमांक कितना रहा होगा 270.8 रहा होगा हिमांक में अवनमन ज्ञात करने के बाद। डेल्टा टी एफ कभी टी नॉट एफ माइनस ये होता है, डेल्टा टी एफ यहाँ लाए टी नॉट एफ यहाँ लाए, तो ये फॉर्मूला बना विलयन का हिमांक कितना होगा 270.8 केल्विन, ये विलयन का हिमांक होगा। नोट करो बच्चों, से मिटा दें इसको हम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है जो कि वांटा फैक्टर का है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल यानी कि C6H5COOH का भार दे रखा है 2 ग्राम और इसको बेंजीन में घोला गया, बेंजीन दे रखा है C6H6 दे रखा है 25 ग्राम, इसमें घोल दिया गया। तो मोलल अवनमन हिमांक में अवनमन कितना हुआ भाई, डेल्टा टी एफ दे रखा है के एफ इंटू एम, सॉरी डेल्टा टी एफ दे रखा है, क्यों लिखे के एफ, डेल्टा टी एफ कितना रखा है 1.62 केल्विन दे रखा है होता है, और के एफ दे रखा है इसका, के एफ कितना दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यह निकालना है कि कितने प्रतिशत संगुणन हुआ, संगुणन की मात्रा निकालनी है बेटा। संगुणन में विलयन की मात्रा निकालने के लिए पहले हमें इसका आई निकालना पड़ता है, वांटा फैक्टर, क्या निकालना पड़ता है बेटा आई। अगर अणुभार से निकालेंगे आई तो आई इक्वल टू होगा सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। सामान्य का मतलब बेटा हमें यहां सामान्य अणुभार दे रखा है, इसका कितना होगा 6 कार्बन है, 6 कार्बन का होता है 72, अगर हम लिखें C6H5COOH का लिखें, 6 कार्बन का 72 और 6 नहीं, चलो कोई बात नहीं, 5 हाइड्रोजन का 5, 1 कार्बन फिर आ गया 12, 2 ऑक्सीजन का 32 और 1 हाइड्रोजन का 1, 72 5 12 32 1, ठीक है ना। 72 और 5 हो गया 77, 77 78 79 89 90 और 122 हो गया बेटा,
कितना आया लगभग लगभग 122 आ रहा है। इसका अनुभार कितना आ रहा है 122 ग्राम। तो 122 तो दिया है सामान, हम अब सामान निकाल लें इस डेल्टा टी एफ से, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और एम की वैल्यू और रख दें के एफ इंटू एम मतलब डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी हमें यहां निकालना है, विलेय का अनुभार निकालें। अब सामान अनुभार कितना हुआ जब विलयन में इसको घोला गया, तो डाइमर बनने के कारण इसका कितना अपसामान अनुभार हुआ, एम बी निकालना है, तो हो जाएगा के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। के एफ की वैल्यू आपके पास है 1.62, डब्ल्यू बी विलेय का भार, विलेय का भार दिया है 2 ग्राम, 1000 बटे ये क्या के एफ था ना बेटा, के एफ की वैल्यू कुछ और है, के एफ की वैल्यू क्या है 4.9, डेल्टा टी एफ 1.62, डब्ल्यू ए विलायक का भार दिया है 25 ग्राम। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 241.98। ये आ गया अपसामान अनुभार। सामान कितना था 122, अपसामान कितना है 241.98। तो इससे हमारा आई का मान आ जाएगा कितना आएगा बेटा 0.504। ये हमारा आई आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन बेटा आसान हो गया, अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं या एसोसिएशन जो भी है। बेंजोइक अम्ल का डाइमर जब बनता है बेटा, उसमें लिखा हुआ है, तो डाइमर इसका इस तरह बनेगा, दो अणु मिल जाते हैं एक साथ, यानी जब दो अणु लिए तो एक बना, अगर मतलब दो लिए तो एक बना, चार लेंगे तो दो बनेगा, आठ लेंगे तो चार बनेंगे, अगर एक्स लेंगे तो एक्स बटे दो बनेंगे। यानी अगर पहले एक था, इसका जीरो था, जब इसने डाइमर बनाया उस इसका मतलब इसमें से एक्स अणु निकल के डाइमर बनाया, तो इसका बचा 1 - x, और इसके डाइमर बनने पर सॉरी हाँ ठीक है एक्स बटे दो, दो में से एक तो एक्स में से एक्स बटे दो, यानी टोटल मॉलिक्यूल ये बचे फाइनल। ठीक है, इसको ऊपर से मिटा दें थोड़ा सा, मैं दोबारा बताता हूं थोड़ी बात, कुछ और बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है। जब हमने आई की वैल्यू निकाली थी और क्वेश्चन में लिखा है डाइमर बनाता है, डाइमर की रिएक्शन लिखी, प्रारंभ में एक मॉलिक्यूल था जब इसने डाइमर नहीं बनाया, जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया इसके दो अणु मिल गए डाइमर बनाया, यानी कि इसमें से एक्स अणु ने डाइमर बना लिया, तो एक्स बटे दो आ गया। आई इक्वल टू और होता बेटा प्रारंभिक, प्रारंभिक अणु या मूल, प्रारंभिक पार्टिकल्स अपॉन फाइनल पार्टिकल्स, इनिशियल और फाइनल पार्टिकल्स। इनिशियल एक था सॉरी, फाइनल अपॉन इनिशियल क्या होता है बेटा, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल कितना है बेटा 1 - x + x/2, और इनिशियल कितना था एक, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा 0.504 1 - x + x/2। तो ये आया बेटा 0.504 इक्वल टू 1 - x/2, तो एक्स अपॉन टू इक्वल टू 1 - 0.504, एक में से ये घटा दिया तो एक्स अपॉन टू इक्वल टू आया 0.446, इसमें एक्स की वैल्यू हो गई 0.446 × 2, इसका गुणा कर दिया तो आया, दो से किया गुणा तो कितना आया बेटा, अच्छा कितना 4 4 ही बच रहा था ना, ये गलत लिखा है देखते हैं, अच्छा घटा के देख लें, अच्छा 1.000 में से 504 घटाया तो बचा 4, ये 4 बचा, 10 में से 4 माइनस हुआ 6 बचा,
नाइन बचा, 496 आएगा बेटा, है ना? कितना आएगा बेटा? 496, 496 मल्टीप्लाई बाई टू, इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ बेटा? 2 6 12, 2 9 18, और एक 19, 4 और 1 9, यानी आया परसेंटेज एसोसिएशन आया 99.2%। प्रश्न था कितने प्रतिशत संगुणन हुआ? संगुणन हुआ है 99.2%। कितना संगुणन हुआ बेटा? 99.2। पहले आपने क्या किया, एक अब इससे एक क्वेश्चन सामान्य करके अब सामान्य अणुभार निकाला, किसका? बेंजोइक अम्ल का। और अब सामान्य अणुभार को सामान्य अणुभार में भाग देके आई निकाल लिया, उस आई को इस फॉर्मूले में रख दिया, इससे हमें एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू में 100 का गुणा करेंगे तो वह परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन आता है। हमें इसमें एसोसिएशन पूछा था, हमने एसोसिएशन निकाल दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि दे रखा है 298 केल्विन पर CHCl3, CHCl3, और CHCl3 कितना है? 29.8 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है बेटा? CH2Cl2 दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 42.5 ग्राम। इन दोनों के विलयन के क्या निकालना है भाई? वाष्प दाब निकालना है। इनके क्या निकालना है बेटा? P निकालना है, PCHCl3 निकालना है, P CH2Cl2 क्या कह रहा हूं बेटा? इतना इतने और इन दोनों को मिलाया, इनसे जो विलयन बना इसका वाष्प दाब निकालना है। तो इन दोनों के अगर अलग अलग दाब मिल जाए तो उनको हम ऐड कर देंगे तो विलयन का वाष्प दाब हमारा प्राप्त हो जाएगा। कुछ और भी दे रखा है बेटा, शुद्ध शुद्ध CHCl3 का वाष्प दाब दे रखा है, और शुद्ध CH2Cl2 का भी वाष्प दाब दे रखा है। CHCl3 का दे रखा है 200 mmHg, और इसका दे रखा है बेटा 415 mmHg। पहले क्या कर रहे हैं हम, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इनके हम मोल निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है PA+PB, और PA इक्वल टू होता है बेटा P0A × XA, अर्थात हमें किसी का भी वाष्प दाब निकालना है तो उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन को हम गुणा करके निकाल सकते हैं। बेटा शुद्ध वाष्प दाब तो दे रखा है, मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा इनके मोल चाहिए हमें, क्या चाहिए? इनके हमें मोल चाहिए। तो हम निकालें, अगर मोल निकालना है किसके? CHCl3 के। इसका भार कितना है? 29.8। इसका अणुभार 3 Cl है ना, 35.5 × 3 करोगे तो 106.5 आएगा, और ये 12 और 1 13 यानी 119.5। ऐसे ही NCH2Cl2 निकालेंगे तब इसका भार कितना है? 42.5, और इसका अणुभार 70 ये हो गया, 72 और 71 ये हो गया, 2 का 71 और 2 73 और 12 85, इसका 85 आया। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे, ये हमने वैल्यू ऐसी दे रखी जो कट जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.2 और इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.5, ये इसके मोल आ गए। अब हम निकाल सकते हैं XCHCl3 निकाला, एक्स क्या होगा? इसके मोल NCHCl3 डिवाइडेड बाई NCHCl3 + NCH2Cl2। NCHCl3 कितना है? 0.2, और 0.25 आएगा बेटा, है ना? 25 आएगा इसका, 0.25 अपॉन 0.25 + 0.5, यानी हो गया 25/75 हो जाएगा, 1/3 मोल आ गए। कितने मोल आ गए बेटा इसके? 1/3 XCHCl3 आ गया 1/3,
तो बेटा एक्स सी एच टू सी एल टू आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों का मोल प्रभाज एक होता है, तो आ जाएगा ये 2/3। वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, एक में से घटा दोगे तो ये आंसर आएगा। अब आपको दोनों मिल गए, अब क्वेश्चन बेटा आपका बन गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, समय हो गया। अगर हमें निकालना है पी सी एच सी एल थ्री निकालेंगे, तो एक्स सी एच सी एल थ्री 1/3 और ये वाला इंटू 200। इसी क्रम में हम पी सी एच टू सी एल टू निकालेंगे, तो 2/3 इसका, और शुद्ध वाष्प दाब कितना था 415। इनकी वैल्यू निकाल के बेटा जब हम जोड़ देंगे तो विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। कैसे किया दोबारा समझ लो, दोनों के भार दे रखे हैं, ठीक है, नहीं डाई क्लोरो मेथेन क्लोरोफॉर्म के भार दे रखे हैं, और इनके शुद्ध वाष्प दाब दे रखे थे। हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना था। विलयन का वाष्प दाब बेटा दोनों के अलग अलग वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। अलग अलग वाष्प दाब निकालना है तो उनके मूल प्रभाज चाहिए थे हमें। शुद्ध वाष्प दाब मूल प्रभाज होता है, मूल प्रभाज निकालने के लिए हमें मूल चाहिए थे। तो पहले हमने इनके मूल निकाल लिए, भार में अणुभार का भाग देकर मूल निकाल लिए, और दोनों के मूल प्रभाज निकाल लिए। जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल बटे कुल मूल, एक का मूल प्रभाज आ गया, दूसरे का मूल प्रभाज एक से घटाने पर आ जाएगा, एक से घटाने पर आ गया। जब हमें सब कुछ मिल गया तब तो ये सूत्र है ये। अगर क्लोरोफॉर्म का निकालना है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब क्लोरोफॉर्म का मूल प्रभाज, डाई क्लोरो मेथेन का निकालना है, डाई क्लोरो मेथेन का वाष्प दाब शुद्ध का और उसका मोल प्रभाज, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं बच्चों विलयन अध्याय के सभी तरह के न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में, जब भी कालांश बच्चों अगला आएगा, उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो 2 या 3 लेक्चर में आपको बताएंगे। मैं आशा कर रहा हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।